बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये नुस्खा मेरे ऐसे दोस्त और अहबाब के लिए है जो अपने अंदर मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं। मर्दाना कमज़ोरी की वजह से अक्सर लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी डॉक्टर या हकीम से बात करते हुए घबराते हैं। मेरा ऐसे तमाम दोस्तों को मशवरा है कि परेशान होने और घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने देसी जड़ी बूटियों के अंदर ऐसी खासियत रखी है जिनको हम इस्तेमाल करके अपने अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ने कोई भी ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका कोई इलाज ना हो। अगर आप अपने अंदर कोई खामी वगैरह महसूस करते हैं, जैसे नफ्स का ढीलापन, नफ्स की कमज़ोरी और लागतपन और मुझजनी की वजह से नामर्दी हो गई हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नुस्खे के अजा जो हैं वो आप नोट कर लें। ये तिल स्याह हैं, इनका मजाज जो सा ये गर्म है। तिलों के इस्तेमाल से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। तिल जिस्म की नशोनुमा में अहम करदार जो सा वो अदा करते हैं। तिल जो से होते हैं ये मकवी बा भी होते हैं, मर्दाना ताकत को बहुत बढ़ाते हैं, अज़ू ख़ास की कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद हैं। तिलों का इस्तेमाल जो सा होता है वो बालों को बढ़ाने और इनको मजबूत करने के लिए भी होता है। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास असपंद है, इसका मजाज जो सा है वो गर्म है। असपंद को जो सा है वो तकवीत बा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में असपंद को अक्सर जो से नुस्खों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। असपंद के इस्तेमाल से ना सिर्फ मर्दाना ताकत में इजाफा होता है बल्कि असपंद जो सी होती है ये जिस्म को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। असपंद जो सी है ये असल में ये एक पौधे के बीज होते हैं जो अमूमन स्याह रंग के होते हैं। असपंद का इस्तेमाल जो सा होता है वो दूसरी बीमारियों के अंदर भी किया जाता है, जैसे फालज या लकवा वगैरह। तीसरे नंबर पर ये हमारे पास खशखाश है, इसका मजाज जो सा ये सर्द है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है और हर चीज़ का वजन आपने कितना लेना है। मगर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपका मैदा कमज़ोर है या सही काम नहीं कर रहा तो पहले आप जो से वो अपने मैदे का इलाज करवाएं, क्योंकि मैदे की खराबी से मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में जो सी होती है वो मुश्किल होती है। अगर मैदा सही काम करेगा तो फिर खाया पिया भी हजम होगा और दवाई जो सी है वो भी सही तौर पर हजम होकर फिर ही अपना काम करेगी। इसलिए आप सबसे पहले अपने मैदे का जो सा वो इलाज करें, अगर इसके अंदर कोई मसला है फिर आप मेरे इस नुस्खे को जो सा वो इस्तेमाल करें। तो नुस्खा बनाने का जो सा तरीकाकार है वो आप नोट कर लें। तो आपने तिल से जो से ये 3 तोले लेने हैं, असपंद आपने 3 तोले लेनी है और खशखाश जो सी है ये आपने 2 तोले लेनी है। आपने इन तीनों को ग्राइंड करके इसका बारीक पाउडर जो सा है वो बना लेना है और इस पाउडर का आधी चाय का चम्मच आपने जो सा वो सुबह नाश्ते के बाद लेना है और आधी चाय का चम्मच जो सा है वो आपने शाम को लेना है। अच्छा, इस नुस्खे को आपने 2 हफ्ते जो सा है वो मुसलसल इस्तेमाल करना है और इस दौरान आपने हम बिस्ती वगैरह से परहेज़ करनी है और कोई भी खट्टी और तुर्श चीज़ जो सी है वो इसका इस्तेमाल जो सा है वो नहीं करना। इंशाल्लाह ताला 10 दिन के बाद ही आपको इसके जोन से वो बहुत अच्छे नतायज मिलेंगे। नफ्स की कमज़ोरी जो सी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसमें जो सी ये सख्ती पैदा हो जाएगी, नफ्स का इंतशार जो सा है वो पूरा होगा और जो काफ़ी देर तक रहेगा। इसके अलावा आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी। इस नुस्खे को जो सा है वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे जो सा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।